अच्छा गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं, इसका भी एक कारण है, वजह है। चलो एक उत्तर देना। पीपल के पेड़ के नीचे आप कोई दूसरा पेड़ लगाओ, हो जाए तो बताओ। वट वृक्ष के नीचे आप कोई दूसरा पेड़ लगाओ, हो जाए तो बताओ। बताओ पीपल वट के नीचे कौन सा पेड़ होता है, आप लगाओ, बोलो हो सकता है, हाँ या ना। एक कहावत सुनी होगी आपने, बड़े पेड़ की छांव में दूसरा पेड़ छोटा पेड़ ठहरता नहीं है। पीपल सबसे बड़ा होता है, बट सबसे बड़ा होता है, अब बड़े के आगे छोटा ठहरता नहीं है। आप कोई भी पेड़ लगाओ नहीं ठहरेगा, जो प्रॉपर उसे धूप मिलनी चाहिए पौधे को वो नहीं मिल पाएगी। जो शक्ति वहां की होती है वो पेड़ खींच लेता है, बड़ा पेड़ ऑलरेडी वहां की नमी खींच लेता है ना, वो उसको मिलेगी नहीं, वो सूख जाएगा। कहावत सुनी होगी कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी नहीं होता, आप ट्राई कर सकते हैं, बोलो हाँ, समझ में आई। तो गरीब रहने का, गरीबों के गरीब रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो लोग बड़ों की छांव में रहते हैं, बड़ों की छांव में रहते हैं। आप जब अलग रहेंगे, इसलिए मैं कहता हूं नौकर मत बनो, किसी की नौकरी क्यों करते हो, मालिक बनो, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले नहीं। यदि आप नौकरी लेने वाले बन गए तो सामने वाला आपको 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए बस फिक्स है आपका, 50,000 से ज्यादा नहीं। आप ज्यादा योग्य हैं तो 1,00,000 रुपए महीना मिलेगा, लेकिन आप में टैलेंट है, काबिलियत है, तो आप बड़े से हटकर एक अपना खुद मजबूती से, जब जंगल में पेड़ पनपता है ना तो वो बारिश को, धूप को और तूफान को सहता है। जब तेज तूफान चलता है ना, छोटे मोटे पेड़ तो उखड़ जाते हैं, कमजोर तो टूट जाए। तूफान क्यों है, ईश्वर देखते हैं कितना मजबूत है तू। जीवन में दुख आए तो बिल्कुल मत घबराना, मजबूती से सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो, घबराओ मत, हर थपेड़े को सहो, हर दुख को सहो, हर अपमान को सहो और डट के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। पता चल जाएगा आपको बहुत जल्दी चुनौतियां आएंगी सामना करना, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप जीत जाएंगे और आप पर आने वाली मुसीबतें हार जाएंगी। आप लोगों को ना सेल्फ डिपेंड बनना नहीं आता। लोग रोते हैं, महाराज जी हमारी नौकरी नहीं लग रही है। ये लड़के आजकल के पढ़े लिखे बच्चे ये रोते हैं, महाराज जी हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, हम बताओ अब नौकरी कैसे लगेगी, हमारा सपना पूरा कैसे होगा। तुम्हारा सपना ही गलत है। नौकर बनने का सपना अच्छा होता है या मालिक बनने का, जोर से, कौन सा, कौन सा, क्या बनना है बेटा, नौकर मालिक? नौकरी नहीं करना, मालिक बनो, नौकरी लेने वाला मत बनना साहब। पढ़े लिखे हो तो नौकरियां देना सीखो, इतना अपने आप को तैयार करो, इतना मजबूत करो, इतना योग्य बनाओ, इतना सफल बनाओ अपने आप को, इतना तपो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मीन्स मेहनत करनी पड़ेगी। मिल्खा का नाम सुना होगा आपने, सुना है? मिल्खा एक हमारे भारत का एक बच्चा था,
था है अभी क्या में लिखा? अब नहीं है। क्यों है? है है तो भगवान बनाए रहे। मिल्खा जो है वो बहुत तेज दौड़ता था, और जब दौड़ता था तो वो अपनी बनियान उतारता था और निचोड़ता था, तो पसीना एक दिन उसने कप कप गिलास गिलास में पसीना निचोड़ा तो एक गिलास पसीना था। उसको लगा यार इतने पसीने से काम नहीं चलेगा, और आना चाहिए। बाल्टी रखी उसने, बोले बाल्टी पर पसीना चाहिए तब जाके मेरा लक्ष्य मुझे प्राप्त होगा। मिल्खा ने और मेहनत करी और दौड़ा, दौड़ते ही रहता था। वो दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन बना, वो दौड़ में सबको पराजित कर दिया। जुनून हो जीतने का तो कोई आपको हरा भी तो नहीं सकता ना, जीतने वाला जुनून चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? पसीना। क्या आप पसीना बहा सकते हो? क्या अपने आप को तपा सकते हो? क्या सुख चैन भुला सकते हो? अपने सुखों को भूल जाइए और बस तपिए। ये उम्र जो है तपने की है। 20 साल के बच्चे को, 25 साल के लड़के को, 30 साल के छोरा छोरियों को क्या है? तपो, तपना है। एसी में बैठने की उम्र नहीं है तुम्हारी, जाओ धूप में काम करो, नंगे पांव चलो, मजबूत करो अपने शरीर को। हमारी सेना में जब भर्ती होता है कोई जवान तो सेना में उसे खूब मारा जाता है। क्यों? आप तो सैनिक हो, ट्रेनिंग जो होती है ना, इतने थप्पड़ मारे जाते हैं अधिक। क्यों? मजबूती के लिए। दिन भर तो पार्क में दौड़ाया जाता है कड़ी धूप में, और 15 किलो का वजन। क्यों जी 15 किलो का? 10 40 ये देखो सेना में 40 किलो का वजन पीठ में लाद के दौड़ाते हैं। क्यों? हर परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं वो, ट्रेनिंग है ये। इससे भाग गया तो सेना सैनिक नहीं बनेगा, इसमें रहो तब सैनिक हो आप। ऐसे ही थोड़ी होता है, आपको लगे कि कुछ करना ना पड़े सब मिल जाए, ये तुम्हारे बाप का राज नहीं है। यहां तो कर्म करना पड़ेगा। भगवान गीता में बोल के गए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करेगा तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करेगा तो तेरे बाप को भी नहीं मिलेगा। क्यों जी? किससे मिलेगा? कर्म से भागो मत। जो लोग चिल्ला रहे हैं हम गरीब हैं, अरे गरीब हो ये समस्या नहीं है, गरीबी गरीब हो ये समस्या नहीं है, गरीबी से कैसे उबरा जाए, गरीबी से कैसे बाहर निकला जाए, इस पर मंथन करो। उलझे ही रहोगे, क्या मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, इससे क्या होगा? अब निकलने के रास्ते देखो, और निकलने का सबसे बढ़िया रास्ता है मेहनत। क्या है? जोर से काबिलियत। क्या है आपके अंदर? क्या हो? टैलेंट। आप काबिल बनिए, आपके हाथों में हुनर है तो सारी दुनिया में आप कमा के खा लोगे, और हुनर नहीं है तो तुम्हारा बाप भी कब तक देगा बैठे बैठे खाने को? हाँ या ना? मेहनत करते नहीं हो, चिल्लाते हो हम गरीब हैं। करो मेहनत, पैसे बचाओ। तुम मेहनत करते भी हो तो 500 कमाते हो, 250 की शराब पी लेते हो, तो गरीब तो रहोगे। 250 रुपए शराब में क्यों वेस्ट किए? बचाते, बच्चों को अच्छा पढ़ाते, अपने लिए घर बनाते, गरीबी जाती। शराब पीने से गरीबी बनी रहेगी। नशा किसी को बर्बाद करना है, नशा की लत लगा दो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आप कभी किसी को नशे की लत मत लगाना, बहुत बड़ा पाप है ये। जो दूसरों का बिगाड़ता है उसका ईश्वर बनने नहीं देते। दूसरों का बनाओ,
दूसरों का बिगाड़ो मत। चलो एक सिंपल सी बात बताऊं, छोटा बच्चा जब आपकी गोद में आता है और यदि वो आते ही रोने लग जाए आपकी गोद में, तो आप क्या करते हैं? बोलो मेरी माँ। यदि सामने वाले की गोद में कोई बच्चा हो, वो रो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे और छेड़ेंगे, वो और रोएगा, आप उसे और रुलाएंगे, हाँ या ना? वो रोता है ना, तो आप जरा और छेड़ देते हैं, वो और रोने लग जाता है। फिर थोड़ा शांत हुआ, आप फिर उसकी तरफ देख लेते हैं, वो फिर रोने लग जाता है, हाँ या ना? और कोई बच्चा यदि आपकी गोद में और वो हंस रहा है, तो आप उसे गुदगुदाएंगे, वो और हंसेगा, आप उसकी तरफ देख के मुंह बनाएंगे, वो और हंसेगा। मतलब कोई हंस रहा है तो आप उसे जोर से, जो हंसता है उसे और हंसाते हैं, और जो रोता है उसे और, हाँ यही ईश्वर का फंडा है, हंसता है जो ईश्वर उसे और हंसाते हैं, रोता है जो। इसलिए हंसते रहो, हर परिस्थिति में स्माइल रखो, प्रसन्न रहो। मंदिर में भगवान स्माइल के साथ खड़े हैं, श्याम सुंदर कैसे खड़े हैं, मुस्कुराती हुई छवि। भगवान कहते हैं सदा मुस्कुराओ, रोना है मीरा की तरह, केवल भगवान की यादों में रोया करो और नहीं। भगवान की यादों में रोया करो और नहीं। आप मूर्ति लेने जाती हो मैया मंदिर दुकान, भैया जरा गोपाल जी देना, तो वो गोपाल जी आप लेती हो जिनमें स्माइल ज्यादा हो। बिना स्माइल वाले भगवान आपको अच्छे नहीं लगते, तो भगवान ने भी कहा बिना स्माइल वाले भक्त भी हमें अच्छे नहीं लगते। इसलिए भक्तों में क्या हो, स्माइल हो, मुस्कान हो, थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ। हमेशा हंसते रहोगे, भगवान हमेशा हंसाएंगे। हम कुछ लोग रोते ही रहते हैं, बात बात पर सब कुछ है फिर भी रो रहे हैं। एक आदमी को 2 लाख का फायदा हुआ, वो रो रहा था, काहे रो रहा भैया, फायदा हुआ। बोले हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हो गया। कुछ लोगों का तो रोना ही रोना है, इसलिए हंसा करो।